हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो राइट, तो आज ट्वेल्थ पर ट्वेल्थ स्टूडेंट जो भी ट्वेल्थ में पास हो गया, राइट, अभी ट्वेल्थ में पास हो गया आपका 50, 60, 70, 80, 90 भी आए, तो क्या सब्जेक्ट्स लेने गए, ट्वेल्थ के बाद कौन सा कोर्स लिए, कौन सा कोर्स का मतलब क्या, किससे क्या फ़ायदा हो गया, किससे क्या काम मिलेगा, और टेंशन नहीं लेना, एकदम सिंपल तरीके से एकदम शॉर्ट में समझा देता हूँ। राइट, पहले ट्वेल्थ कॉमर्स के बारे में बता देता हूँ। तो जो ट्वेल्थ कॉमर्स में अगर तुम लोग अच्छे से पास हो गए तो तुम्हारे पास बहुत ऑप्शन आता है, बीकॉम आता है, बैफ आता है, बीबीए है, बीएमएस, बीबीए, बीबीआई आता है, बीबीए आता है, ओके, और भी एक दो फील्ड है। राइट, तो अभी आपको क्या करना है, बीएमएम आता है। राइट, तो आपको बेसिकली अगर अकाउंट्स के फील्ड में जाना है, अगर आपको अकाउंट्स सीखना है, अकाउंट्स करना है, अकाउंटेंट बनना है, तो आपको बीकॉम या तो बैफ लेना पड़ेगा। बीकॉम और बैफ, बीकॉम बैफ लेके तुम्हारा अकाउंटेंट का जॉब नहीं मिलेगा। राइट, तो 3 साल के अंदर तुमको बीकॉम और बैफ की डिग्री लेना है, और साइड बाय साइड हो सके तो अकाउंट्स का इंटर्नशिप भी करना है, ठीक है, या फिर अकाउंट्स के साथ जॉब भी करो थोड़ा बहुत टाइम निकाल के। क्रिकेट विकेट तो सैटरडे संडे होता रहेगा, थोड़ा जॉब को भी करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारे पास 3 साल के बाद जैसे हो जाएगा फिर एमकॉम भी कर सकते हैं, और 3 साल के ग्रेजुएशन के बाद जैसे हो जाएगा ग्रेजुएट तो तुमको क्या करना है, एक साल का एक्सपीरियंस लेना, फिर जाके अच्छी खासी सैलरी स्टार्ट होती है, ये अकाउंटेंट के लिए रहता है। राइट, और बीएमएस कैसा है, पूरा नाम मैनेजमेंट स्टडीज है, मतलब अगर एमबीए कर रहे हैं आप लोग, एमबीए करना चाहते हैं तो फिर तुमको बीएमएस करना पड़ेगा। फिर बीएमएस में भी 2 ऑप्शन आता है, बीएमएस इन मार्केटिंग, बीएमएस इन अकाउंटिंग फाइनेंस आता है, बीएमएस इन एचआर आता है, वो सेकेंड ईयर में तुम्हारे पास ऑप्शन रहेगा। अगर बीए अगर एमबीए करना है तो एचआर करना है, तुमको एचआर बनना है, एचआर जो इंटरव्यू लेता है, एचआर या मार्केटिंग फील्ड में जाना है, मार्केटिंग का नॉलेज है, फील्ड पे उतरना है, सेल्स कमीशन बेचना है, तो बीएमएस तुम्हारे लिए बेस्ट है। और बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कहते हैं, थोड़ा नकली टाइप का कोर्स है, इसमें क्या होता है मालूम है क्या, बैंकिंग और इंश्योरेंस, तो मतलब बैंकिंग इंश्योरेंस करके तुम बैंकिंग और इंश्योरेंस के फील्ड में जा सकते हो, और तुम लोग बीकॉम के फील्ड से भी जा सकते हो, ओके। तो फिर बीकॉम करके आप क्या करो, बैंक का एग्जाम दे दो, तो तुम्हारे लिए अच्छा रास्ता हो जाएगा, बीबीए से अच्छा क्या रहेगा तुम्हारा, बीकॉम रहेगा, ये ऑप्शन दे रहा हूँ जो बैंक में जा रहा है। सिर्फ तुमको गवर्नमेंट का जो भी बैंकिंग एग्जाम है उसकी तैयारी साइड बाय साइड करना पड़ेगा, तब जाके तैयार हो जाएगा, ठीक है। और बीएमएम क्या है, मास मीडिया होता है, पूरा कैमरा होता है, फिल्म होता है, आर्ट होता है, मतलब मीडिया के ऊपर रिलेटेड, जो मीडिया में इंटरेस्टेड है, जिसको कम पढ़ना है, इसमें कम रहता है, हिस्ट्री रहता है, ज़्यादा नहीं, मतलब कम सब्जेक्ट रहते हैं, इजी सब्जेक्ट रहते हैं, थियोरेटिकल रहता है, अकाउंट्स अकाउंट्स कुछ नहीं रहता उसमें, ठीक है, सिर्फ लास्ट ईयर में एक अकाउंट सब्जेक्ट रहेगा, तो बीएमएम बच्चा ले सकता है। और जिसको एमबीए वाकई में ही करना है, अच्छा खासा पैसा भी है घर में, तो फिर बीबीए का कोर्स ले लो, ओके, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो बीबीए क्या, छोटा एमबीए होता है, एमबीए का छोटा भाई है, उसका फीस है 80,000-1,00,000 रहता है, वो 3 साल करने का, फिर 2 साल एमबीए तुमको इजी पड़ जाएगा, बीबीए एक वो कोर्स होता है, ठीक है। तो ये सब तुम्हारा कोर्स हो गया, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैंने इतना परसेंट लाया, तो तुम्हारे लिए बेस्ट बीकॉम है, बीकॉम करके भी तुम साइड बाय साइड अलग अलग स्टडी कर सकते हैं, जैसे कोई सीए कर रहा है, सीएमए कर रहा है, राइट, तो वो बच्चे लोग क्या करते हैं, बीकॉम ले लेते हैं, बैफ ले लेते हैं, साइड बाय साइड करते रहते हैं, और फिर 3 साल के बाद इंटर का एग्जाम देके, फिर 2 साल का गैप लेके फाइनल का एग्जाम हो जाता है, पर उन लोग सब प्री प्लान रहते हैं, सब एक्चुअली उन्होंने सब डिसाइड करके रखा रहता है, तो इसके साथ उनका सब सिस्टम में चलता है। पर तू कोई स्टूडेंट रहता है बस पास होगा क्या करने का, जो मिला एडमिशन ले लिया, नहीं, तो पहले सोच ले तुमको क्या करना है, और हार्ड कुछ नहीं है, अगर आपको विदाउट एटी पास होना है FY SY DY, तो आपको क्या करना है, कॉलेज के लेक्चर बैठना पड़ेगा, जो भी टीचर पढ़ेगी वही एग्जाम में आता है, अब कॉलेज के लेक्चर नहीं बैठेंगे तो क्लासेस जाना पड़ेगा, अब क्लासेस भी नहीं जाएंगे तो तुमको यूट्यूब से पढ़ना पड़ेगा, तो मैंने अपने चैनल पे सब बना दिया हूँ A to Z, तुमको हर सब्जेक्ट का मिल जाएगा, हर कोर्स का मिल जाएगा, हर मतलब हर सब्जेक्ट 200 हो तो बात की बात है, जहाँ तुमको एडमिशन करना है जहाँ से पढ़ना वहाँ से पढ़ लो, बस इतना ही बोलने का था, आपको मार्क्स कितना है उसके हिसाब से। राइट, अभी रही बात IT, जिसने मैथ्स और IT लिया है, मैथ्स और IT वो BSCET में जाएगा, BSCET करके फिर वो MSCET कर सकता है, राइट, मतलब मास्टर इन IT कर सकता है, तो उसके लिए वो काम आएगा, या तो BCA या तो MCA कंप्यूटर साइंस, ओके, तो ये भी उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, जिसको कंप्यूटर कोडिंग उस सब आता है ना, तो वो BSCET करके ये फील्ड में जा सकता है। राइट, बस इतना ही बताने का था, और साइंस और आर्ट्स के मैं अलग से तुमको समझा के बता दूंगा क्या है, पहले कॉमर्स का वीडियो पर जाके समझा दिया कि ट्वेल्थ के बाद तुम्हारे लिए क्या कोर्स बेटर रहेगा, ठीक है, और हो सके तो साइड बाय साइड कंप्यूटर का भी नॉलेज रखो, एक्सेल का, MS8 मतलब एक्सेल टैली का तुमको नॉलेज होना चाहिए, राइट, आने वाले टाइम पे तुमको काम आएगा, GST फाइलिंग सीख लो, छोटा मोटा जॉब भी करो, मतलब क्या है, अगर तुम्हारा कॉलेज मॉर्निंग में है, 12 बजे तक घर पे होता है, तो आफ्टरनून में किधर पार्ट टाइम जॉब करो और रात को स्टडीज करो, ये 3 साल तुम जॉब भी करेंगे और पढ़ाई भी करेंगे ना, तुमको अच्छा खासा 3 साल के बाद एक्सपीरियंस आ जाएगा, और 3 साल के बाद कुछ नहीं करेंगे पढ़ाई करें तो कैसे, ऐसे फ्रेशर ही रहेंगे, तो एडवांस में नॉलेज ले लो, क्योंकि कंपनी कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, जिसके बाद नॉलेज है, जिसके बाद एक्सपीरियंस है, कंपनी उसको ही उठा रही, फ्रेशर को दे ही नहीं रही है,
तो साइड बाय साइड कुछ ना कुछ चीज़ का नॉलेज है, या फिर डैडी का बिजनेस है उस पर थोड़ा ध्यान दो, उस पर थोड़ा फोकस करो, थोड़ा कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन करो, कस्टमर से कैसे अब अट्रैक्ट करना है, बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, कैसे सेल्स करना है, हिसाब किताब ये सब का नॉलेज अब लेकर होगा। अभी जो था बचपना चला गया, इधर से तुमको भी अच्छे से ध्यान देना, इधर से लाइफ की जर्नी तुम्हारी स्टार्ट होगी। क्योंकि जो भी कोर्स सिलेक्ट करेंगे अच्छे से सिलेक्ट करना, और कुछ समझ में नहीं आता मैसेज करो तो मैं गाइड करूँगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, बस इतना ही बोलने का, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर लाइफ, थैंक यू वेरी मच।